नमस्ते दोस्तों, आज है आपका 14th of November, नियर अबाउट द मंथ इज हाफ गॉन, साल तो पूरा ही खत्म हो गया है। कैसे समय जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज जो न्यूज़ है उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा फोकस मारते हैं, समझते हैं कि मार्केट अभी जो है कैसे मूव कर रहा, नहीं कर रहा है। अभी जैसे आपको पता है कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई है, और कल जो है इंग्लैंड जीत चुका है वर्ल्ड कप और पाकिस्तान हार चुका है। चलिए समझते हैं कौन कौन से न्यूज़ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके यूट्यूब के माध्यम से। आपका कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स का जो भी स्क्रीनशॉट है वो हम शेयर करते हैं हर दिन, और अगर आप कोई भी अगर मतलब बेसिकली आपका नॉलेज बेस आपका हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नो हाउ है, उसको आप इंक्रीज कर सकें। टाटा स्टार्स प्रोसेस टू ब्रिंग ऑल एयरलाइंस अंडर एआई विंग्स। ऑलरेडी इसके बारे में हमने लास्ट तीन हफ्ते पहले से मैंने इसके बारे में बताया था कि अभी टाटा क्या करेगा, टाटा कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, एंड विस्तारा प्राइमरी विल बी द लोकल डोमेस्टिक मूवमेंट के लिए। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ये लोग जो इंटरनेशनल जो रूट्स हैं, क्योंकि एमिरेट्स, कतर, इन लोगों ने मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, ग्लोबल मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है। लुफ्थांसा इज ऑलरेडी डेड, एंड बाकी जो बड़े बड़े एयरलाइनर्स हैं उनका हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस और जो एयरलाइन या इसका बिजनेस जो है बहुत ही स्लिम मार्जिन का है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ही हाई होता है, एंड मार्जिन बेस्ड बिजनेस होता है। इस जगह पे डेफिनेटली टाटा विल ट्राई टू लेवरेज एंड हैव अ मार्केट शेयर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में जो डोमेस्टिक में है वो इंडिगो कभी नहीं छोड़ेगा, और स्पाइस जेट खत्म हो चुका है, एंड द ओपन मार्केट अभी सेकेंड पोजिशन जो है वो ओपन है सबके लिए। तो यहाँ पे विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया दोनों को तीनों को मर्ज करने के बाद जो है इट विल एमर्ज एज द सेकेंड बिगेस्ट फ्लायर। आप बोलोगे गो एयर भी नियर अबाउट वो आई पी ओ फाइल करने वाला है, अभी गो फर्स्ट कह के सब कह रहे हैं। जब भी आप देखोगे ना कि एक कंपनी अपना ब्रांडिंग चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ मतलब अपने आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है, दैट मींस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। अ ब्रांड, अ बिजनेस व्हेन इट इज वर्किंग रियली रियली फाइन, इट विल नेवर चेंज इट्स नेम। कोई भी बिजनेस जो है अपना नाम क्यों चेंज करेगा, बिकॉज वो नाम चेंज करने से बहुत सारे ब्रांडिंग इश्यूज होते हैं, सब कुछ आपको उसको उस ब्रांड अवेयरनेस को फिर से करना पड़ता है, उसमें हजार हजार करोड़ जो है आपको खर्चा करना पड़ता है। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट शेयर और डोमेस्टिक मार्केट शेयर कहाँ पे वो क्या पकड़ना चाहता है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ऑफ जेट डिलेड, अभी यहाँ पे जेट एयरवेज फिर से आप कम बैक करना चाहते हैं, बट आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट, एंड ऑपरेशंस आर टिपिकली नॉट दैट प्रोडक्टिव एंड यू नो प्रॉफिटेबल। टैक्स रेवेन्यूज में टॉप फाइनेंशियल 23 बजट एस्टिमेट बाई 3.3 लाख करोड़, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड सर्टन थिंग्स जो पूरे टैक्सेशन बिजनेस टैक्सेशन सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा है। जो कंपनी है स्मिथ एंड जोन्स एंड चिंग्स सीक्रेट, वो कंपनी जो है उसको बेचना चाहते हैं, एंड अगेन द कंपनीज ओनर आर यूएस प्राइवेट इक्विटी ओनर्स जेनेरिक अटलांटिक, यूरोपियन फैमिली ऑफिस एंड इन्वेस्टमेंट आर्म इन बस ग्रुप, एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव टर्न फोर नेटवर्क अजय गुप्ता। ये कंपनी को सेल आउट कर देना चाहते हैं, 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन डॉलर का डील है। आईटीसी मोस्ट प्रोबेबली इसमें घुसना चाहेगा, बिकॉज आईटीसी आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट यू नो सेग्रीगेटिंग और सेपरेटिंग देयर सिगरेट बिजनेस, बिकॉज मैक्सिम इसका जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से ही आता है, एंड इट शुड बी फोकसिंग मोर ऑन सिगरेट्स, सेल ऑफ सिगरेट्स, बीड़ी, खैनी, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन एफएमसीजी, बिकॉज एफएमसीजी इज अ लूजर्स मार्केट अनलेस यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो रूरल सेगमेंट है वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। क्वाइट अ बिग न्यूज़, सेबी मूव्स टू स्प्रेड कोलैटरल अक्रॉस बैंक्स टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। वही प्रॉब्लम हो जाता है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनिपुलेशन एंड करप्शन माइट हैपन। वही चीज यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। क्राइसिस फेस्ड बाय यस बैंक 2 years अगो वाज काइंड ऑफ अ वेक अप कॉल। व्हाट इफ अ बैंक होल्डिंग साइजेबल पार्ट ऑफ द कोलैटरल रन इनटू ट्रबल? व्हाट इफ सच बैंक फेसेस अ रन एंड इज पुट अंडर मोरेटियम बाय मोरेटियम का मतलब होता है कि उसमें जो भी अकाउंट जो है टिपिकली मतलब शैडो फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि उस बैंक से पैसा ना निकाल सकते हैं ना उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बैंक का तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जो जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है डिपॉजिटर्स का पैसा जो है अटक जाता है, एंड अगेन इसलिए आप देखोगे बैंक में जब भी आप जाओगे वहाँ पे अगर पासबुक लेते हो, कोई भी स्टेटमेंट लेते हो, नीचे आपका लिखा हुआ रहेगा कि अप टू एज पर आरबीआई
आपका जो भी पैसा आपने हमारे बैंक में रखा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका जो सम अश्योर्ड है यानी इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो अप टू 2 लाख या 5 लाख है, यानी अगर आपने 35 लाख रुपए रखा है और उस बैंक में कुछ घपलाबाजी हो जाता है, सो बैंक इज लायबल टू पे यू अप टू 5 लाख रुपीज, द रिमेनिंग 30 लाख रुपीज विल बी छू मंतर छू। ग्लोबल डायरी इनफ्लोज कैन लिफ्ट इंडाइसेस टू न्यू हाई, ऑलरेडी हाई में है एंड वी हैव टू एटलीस्ट आई एम वेरी वेरी मच आप रे बाप ये देखो अडानी इंटरप्राइजेस 1 साल में 134%, 3 साल में मतलब 1800%, 5 साल में 2400%, दिस इज व्हाट वी कॉल मतलब अमेजिंग लाइक मल्टीबैगर इसी को बोलते हैं। सो मल्टीबैगर को इसी को बोलते हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम हियर इज यू माइट बी यू नो पुशिंग, वही होता है मैनिपुलेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे स्टॉक को शायद से मैनिपुलेट है, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट अडानी के जितना भी स्टॉक्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर मैनिपुलेटेड, तो उसमें अगर आप पैसा डालते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी, मेकिंग मनी इज ऑल्सो हाई एंड लूजिंग मनी इज ऑल्सो हाई, बिकॉज आप जो है फिरंगी इन्वेस्टर देसी इन्वेस्टर के रहम करम पे है, वो अगर चाहेंगे तो आपके मार्केट को आपके शेयर को गिरा सकते हैं, अगर चाहे तो आपके शेयर के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। निफ्टी ट्रेडिंग अबव विथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यानी 50 डीमा 200 डीमा के ऊपर जो है मूव कर रहा है, नियर अप दैट इज दैट मीन्स दैट द मार्केट इज ओवर वैल्यू राइट नाउ, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कोई भी कभी भी जो है मार्केट नीचे गिर सकता है, सो हमें थोड़ा सा टेंटेटिवली एंड थोड़ा सा केयरफुल होकर मार्केट में घुसना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग खेलना चाहते हैं फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पैसा है वो आप लूज आउट कर सकते हैं। ट्रेडर्स बुलिश ऑन माइंडट्री, ट्रेडर्स यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए माइंडट्री, हीरो मोटो एंड HDFC बैंक एंड इन्फोसिस। फिर इन्वेस्टर देखो आपको 19,000 करोड़ जो है मार्केट में उन्होंने इनपुट किया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं अक्टूबर में नियर अबाउट आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली नियर अबाउट 7,000 to 8,000 करोड़ उन्होंने पुट अप किया था, बट अभी तक 14 दिन के अंदर ही 19,000 करोड़ जो है पंप किया गया है, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अ स्लम्प और यू नो पंप और डंप जो है वो हमें देखने को मिल सकता है विद इन कपल ऑफ वीक्स, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। SIP driven strategy continues to make sense for long-term investors. So long-term investor again यहाँ पे SIP अगर आप कर रहे हैं, SIP मतलब होता है systematic investment plan, यानी आप मंथली किस्त के माध्यम से आप जो है एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, उसके NAV को परचेज करते हैं। सो आपको फिर से समझना पड़ेगा दैट SIP शुड बी, ऐसा नहीं कि SIP आप कहीं पे भी डालो आपका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सेगमेंट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक है, जैसे रिन्यूएबल जो है वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है बट 5 साल बाद अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। सो अगर आप आज के हालात को देख के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट माइट बी नॉट अ वेरी वाइज आइडिया, रीजन बिकॉज आज आप देख रहे हैं, जैसे भाई मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा आपको मूवमेंट दे रहा है, तो 5 साल बाद रिन्यूएबल एनर्जी बस्ट भी हो सकता है, अगर बस्ट हो जाता है तो फिर आपका पैसा जो है डूब जाएगा, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म होराइजन को देख के। जैसे मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल जो चॉइस है, मैं इंश्योरेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा बिकॉज नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स हम देखेंगे कि द एवरेज एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल गो अप, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा प्रदूषण है, पोल्यूशन है, इसकी वजह से लोग बीमार होने वाले हैं, सो फार्मा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर विल गो अप, एंड क्योंकि अभी नेक्स्ट 3 साल के अंदर आप देखोगे जितने भी बैंकिंग सेक्टर है जो लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, NBFC सेक्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू गो रियली वेल बिकॉज लोग जो है अभी कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी हम बन रहे हैं, तो इसमें लोगों के पास पैसा नहीं, इनकम नहीं है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू कंज्यूम, सो दैट्स वाई डेट दिया जाता है, और डेट में प्रॉब्लम भी हो जाता है कि अगर आप उस एसेट को यानी जब भी आप लोन दे रहे हो उसको अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, रिकवर नहीं कर पाते, तो फिर आपका NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, NPA जितना ज़्यादा होगा यू हैव टू राइट इट ऑफ एंड इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी। सो बैंकिंग सेक्टर इज नियर अबाउट 50-50 रिस्क। अगर आप श्योर शॉट, मेरा तो ये श्योर शॉट जो है मुझे पता है कि इंश्योरेंस जो अच्छा मूवमेंट करने वाला है। अगेन पावर सेक्टर में अगर हम देखें सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियर रिलेटेड या न्यूक्लियर रिसर्च रिलेटेड या माइनिंग कंपनी जो है जो यूरेनियम थोरियम इसमें जो है फोकस करती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करने वाला है, तो सीमेंट इंडस्ट्री उतना आपका सीमेंट कोल स्टील ये जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। ऑटो सेक्टर जो है वो अभी एक साइकिल में जा रहा है बिकॉज एक ट्रांजिशन फेज हो रहा है कि वहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज गोइंग अप, बैटरी जो है बैटरी चालित व्हीकल जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली 10 ईयर्स में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, रेडिकल टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, सो इट टेक सम टाइम, इसलिए ऑटोमोटिव सेक्टर में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा बट आई विल कीप एन ओपन आई एंड सी हाउ इट इज गोइंग। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया
टेस्ला लोग चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड वाओ, बट अगेन इफ यू कम बैक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, टाटा मोटर्स इज द बेस्ट बेट, सेकंड इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा एंड सुजुकी, मारुति सुजुकी, वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आएंगे। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप टाटा मोटर्स पे बहुत ताली मार रहे हैं, आप ये देखिए कि जो टोटो होते हैं या छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं उसमें मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का किसका ज़्यादा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली महिंद्रा अल्फा बोल के जो है बैटरी चालित व्हीकल थ्री व्हीलर जो है वो मार्केट को गेन कर रहे हैं। एथर, ये जो टू व्हीलर व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर कंपनीज हैं, ओला, एथर, ये लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसेंजर यानी टू व्हीलर से ये लोग थ्री व्हीलर में आएंगे यानी कमर्शियल व्हीकल में घुसने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ों को आपको देख के थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया भाई ओके हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा ऐसे करने से क्या होगा कि ऑन एन एवरेज यू विल बी लूजिंग मनी। यू वॉन्ट टू मेक मनी, you want your money to make you more money and give you more than 10 to 12% or 15% return every single year. ACRE jo hai wo LIC ke 3500 crore ka jo Reliance Capital ka jo bond hai wo purchase karna chahta hai kyunki ye loss making hai, so LIC is looking for a 45% recovery yani 55% jo hai near about uska loss ho chuka hai. To yahi hota hai loss pe loss bhai. Ye bahut acha news, ye bahut big news hai. Mukesh Ambani in race for Liverpool football club. That is crazy bhai, sahi hai. We might see that Real Madrid ko Adani khareed le raha. Tata to invest 1 crore in equity Croma ke expansion mein. Sterling Biotech jo hai wahan pe aapka ghaplabaji hua tha, so jo promoters hai unko pakda gaya tha, so there was this money laundering problem going on there. So NCLT okays acquisition of Sterling Biotech by Perfect D. World looking at China, world looking at India for travelers. So again, वहीं पे मैं बोलूँगा कि इंडिया से आप यू नो प्लीज हैव, अब आपको ट्रैवलर्स क्यों चाहिए, आपको इमिग्रेंट चाहिए। आप अगर खोल देता ना कि ठीक है भाई हम इंडियंस को वहाँ पे वर्क वीजा ये सब दे देंगे, सो आप देखोगे 50% ऑफ योर पॉपुलेशन विल टर्न इंडियन विद इन 10 years. रेजर पे कैन गो पब्लिक इन फ्यू ईयर्स विदाउट रेजिंग मोर फंड्स. सो अगेन रेजर पे अगेन इट हैज टू टर्न इन टू एन NBFC rather than a payment gateway. A very tech pros tap all sources as layer of spread. So ये तो होने वाले हैं. So some of the news is Singapore Simb Corp to acquire Vector Green. So Indian BPM set to log $100 billion. BPM मतलब business process management, मतलब वही है आपका BPO ही है. Interesting, it's interesting stuff. FTX taking steps to secure all assets, says new CEO. So cryptocurrency is going through a very tough time, so that's why I don't invest in cryptocurrency reason, because it is not backed by any government or any फिजिकल रिसोर्स लाइक गोल्ड सिल्वर. इस चीज़ पे जब आप नहीं करते हैं ना, बैक नहीं करते हैं, तो उसका वैल्यू ऐसा नहीं होता है, वो हवा हवा में वैल्यू हो चलता रहता है. एंड वो शॉर्ट टर्म में लोग जो है पैसा निकाल के लेके जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे लूज देयर मनी. चलो बिजनेस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं हम लोग, बिजनेस स्टैंडर्ड को देख लेते हैं. कार्बन क्रेडिट रिवाइवल लाइकली बून फॉर डेवलपिंग नेशंस. सो इसको लेके भी अभी जो है बहुत सारे कंट्रीज को, प्राइमरीली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो एक्चुअली थ्रेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ थ्रेट फॉर अमेरिका, UK. सो हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके इन कंट्रीज को दबाने की कोशिश की जाती है. सो कार्बन फुटप्रिंट, ये रिन्यूएबल एनर्जी विल ऑल्सो बी यूज, बिकॉज चाइना के अगेंस्ट तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज UK US आर टिपिकली यू नो पावरलेस इन फ्रंट ऑफ चाइना. बट वो किसको दबाना चाहेंगे, अभी इंडिया को दबाना चाहेंगे. सो यहाँ पे भी वही ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर होना. तो गोफर्स्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर रहा था, क्योंकि गोफर्स्ट का भी हालत ख़राब है. About 68% of Gopher's first flight were delayed between Thursday and Saturday, and uska jo hai 40% of its ground fleeted. Okay, so again a very big problem. It is also looking to become another spice jet. Baiju's expects 3-point growth and cut losses. PLA container manufacturing in the works. So this might be very interesting, because आपका जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग बिजनेस. एंड आपको समझना पड़ेगा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको स्टील बहुत चाहिए होता है. स्टील में कॉटन स्टील एक स्पेसिफिक टाइप का स्टील होता है जो रस्ट नहीं पकड़ता है. उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड अगर वो इंडिया कर पाता है, सो वी विल हैव एंड टू एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील, विच इज एक्चुअली अ वेरी, इट्स अ क्वाइट अ वेरी गुड सुपर पावर, क्योंकि वो स्टील मैनुफैक्चरिंग सिस्टम या पूरे सिस्टम को आप ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफेंस मैनुफैक्चरिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट, सो पीपल कैन फाइट एंड किल ईच अदर. क्वाइट सैड दो, बाय डायबिटीज प्लान फॉर अर्ली कवरेज फॉर दिस एलिमेंट. यानी आपको डायबिटीज होने ही वाला है, सो दैट मीन्स दैट डायबिटीज इज गोइंग टू बी अ नेशनल पैंडेमिक विद इन 10 to 15 years.
and pharma companies, insulin companies are going to make a lot of money here. So again, if you are looking to invest, this might be a good sector to invest in. So thank you for watching this video. कोई question कोई है तो definitely हमें बताएगा. And अगर मैंने कुछ news miss out कर दिया है उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं मेरे को comment section में बताएगा. And thank you for watching this video. Take care. स्वस्थ रहिए. मस्त रहिए. जय हिंद.